हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिसन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन, जो आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पेपर और कॉपी और पेन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जो भी टफ क्वेश्चन होंगे, अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन में आप सभी को 20 या 25, आई होप 30 में 30 क्वेश्चन सही हुए, तो बाकी अगर किसी का क्वेश्चन नहीं सही हो रहा तो उसे अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिए और उसे क्या कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। इसे क्या होता है ना कि जो भी आपके टॉपिक होते हैं, जैसे मान लीजिए नहीं पता है तो अगर कॉपी में लिख लिए तो फिर आपको दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं होगी और उसी कॉपी में से आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं जब तक कि वो आपके माइंड में सेट ना हो जाए। क्योंकि हमें एग्जाम में क्या होता है ना, आप थ्योरी जितना भी पढ़ लीजिए लेकिन एग्जाम सेंटर में जैसे पहुँचे आपको डायलेमा वाले क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि चलो ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में पहुंचे वही क्वेश्चन रॉन्ग होता है जो हमें बहुत इजी दिखता है। तो चलिए आज की क्लास में हम करेंगे विज्ञान के क्वेश्चन, वो भी 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आप सभी मुझे इतना ही सपोर्ट प्यार चाहिए कि जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर को पूरा करवा दीजिए और पर डे प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जितने भी आपके दोस्त जो भी लोग बी एड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं वहाँ तक वीडियो का लिंक पहुँचाइए। बस आप सभी वो माध्यम है कि वीडियो का लिंक का शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास में विज्ञान के क्वेश्चन क्या है। और आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी के 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए। जो भी अगर इंक्वायरी करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम के आईडी से लिंक हो सकते हैं, वहाँ से आके जो भी कुछ पूछना आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वो देखते हैं कि आज की क्लास में क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कि पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या है। जैसे कि प्लांट एंड एनिमल में मुख्य अंतर क्या है ना, हर सर मेन डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। पहला क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन है कि जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, पोषण यानी न्यूट्रिशन को लेकर, या जैविक क्रियाएँ, विटल एक्टिविटी या प्रजनन। यानी अब देखेंगे तो जीवद्रव्य दोनों में पाया जाता है, जैविक क्रियाएँ भी होती हैं, प्रजनन भी होता है चाहे जिस रूप में होके, प्लांट में भी होता है रिप्रोडक्शन और एनिमल में भी होता है। बस मेन डिफरेंट ये है कि पोषण तो दोनों करते हैं, बट पोषण क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। ये क्या आटोट्रॉफ होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं, जबकि जंतु हेटरोट्रॉफिक यानी विषमपोषी पोषण होते हैं। विषमपोषी पोषण भी आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आई होप आप सभी को पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम 6, 7, 8 में रहते हैं तो भी ये क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। क्रिप्टोगैमस, फेनरोगैमस, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो पुष्पी पौधों का अध्ययन किस में करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेनेरोगेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सोबायोलॉजी क्या है। अन्य ग्रह पर जीवन, वायु में जीवन, स्थली जीवन या शारीरिक। तो एक्सोबायोलॉजी का मतलब ही हो जाएगा अन्य ग्रह पर क्या हो जाएगा, जीवन। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रोस्ट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं बीजों का, फसलों का, घासों के, अनाजों का। तो एग्रोस्ट्रोलॉजी में करते हैं घासों का अध्ययन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है। पादपों का मतलब प्लांट, पौधा, उत्सर्जित तंत्र, वृद्धि, प्रजनन या शोषण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जित तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं। उनमें भी पादपों में उत्सर्जन होता है, ऐसा नहीं है कि उत्सर्जन नहीं होता है। आप देखे होंगे कि रेजिन के फॉर्म में निकलते हैं, फिर रेजिन के फॉर्म में हो गया, गोद के फॉर्म में हो गया, ये क्या है, पादपों में उत्सर्जी पदार्थ है। लेकिन तंत्र मतलब क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा सेल, सेल के बाद तो टिश्यू, टिश्यू के बाद आर्गन, आर्गन आर्गन सिस्टम, यानी जो उत्सर्जी तंत्र है तो ग्रुप ऑफ आर्गन होंगे, बट ऐसा प्लांट में नहीं पाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोष की यूकैरियोटी और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं। मोनेरा, कवक, एनिमिलिया। और एक और ऑप्शन बना लीजिए डी, प्रोटिस्टा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही, प्रोटिस्टा ही क्या होगा, प्रोटिस्टा। एक कोष की यूकैरियोटी प्रकाश संश्लेषी को प्रोटिस्टा में रखा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की भ्रूण अनुपस्थित होता है यानी इम्ब्रियो किस में अनुपस्थित होता है। शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट, अनावृत बीजी में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवालों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग यानी ब्लैक स्पॉट डिजीज संबंधित खोजों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कौन से वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं? डॉक्टर केसी मेहता, डॉक्टर आरपी राय, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या प्रोफेसर बिरबल सहानी? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर केसी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? कोशिका कला अनुपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित, केंद्र कला अनुपस्थित, केंद्र कला उपस्थित। तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या होता है ना, कि केंद्र कला अनुपस्थित होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, यानी कहने का मतलब है कि जनसंख्या यहाँ पे बना लीजिएगा, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित कितने करते हैं? डेमोग्राफी और हिंदी में बोलते हैं जननांकी, यानी किससे संबंधित है? जननांकी की। इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो, अगर पता होगा तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज। आप सभी से बस मुझे इतना सी सपोर्ट, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। और वीडियो का लिंक शेयर करते रहिए कि जो भी आपके दोस्त जो भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है वहाँ तक वीडियो का लिंक जरूर पहुँचाइए। और आप भी, आई होप आप जितने लोग चैनल से जुड़े हैं वो सभी लोग पर डे क्लासेस को देखते होंगे। अगर जितने लोग नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भी नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी को क्लासेस कैसे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग है? रशीन या फिर म्यूसिलेज, लैक्टिस या टेनिन? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन क्या है चमड़ा उद्योग में, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी संरचना पादप कोशा में विभिन्न पादपों के प्रवेश की नियंत्रित करती? कोशाभित्ति, जीवद्रव्य कला, केंद्र कला या गॉल्जी का? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवद्रव्य कला। नेक्स्ट है कि सजीवों का प्रमुख लक्षण है वृद्धि, न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति, जीवद्रव्य या कोशा? तो सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या होता है कि उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु, लैमार्क और ट्रेविडेनस, परकुंजे या हक्सले? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क और ट्रेविडेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा या बैक्टीरियोफेज? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा को PPLO भी इसका नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांच जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटेकर, लिनियस, थियोफ्रेस्टस, हस्चिंस? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटेकर। और द्विनाम पद्धति पूछ दिया अगर एग्जाम में कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था तो कॉल वन लीनियट हो जाते हैं, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है, यानी कहने का मतलब है कि नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, उस प्लांट में मेल भी पाया जाता हो एक से और क्या फीमेल भी, तो उस पौधे को क्या बोला, द्विलिंगी पौधा बोला जाता है। तो द्विलिंगी पौधा बोला जाता है, क्या हो जाएगा, उभयलिंगी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु गुहिका यानी एयर कैविटीज की उपस्थित किसका अनुकूलन है? अनुकूलन का मतलब एडाप्टेशन, एडाप्टेशन का मतलब कि किसी भी, अगर मान लीजिए कोई ताप है या फिर जलवायु, किसी में अपने आप को क्या करना, उसी जलवायु में उसी मौसम में क्या परिवर्तन कर लेना, क्या अनुकूलन है। पूछ रहा है मरु पादप में यानी मरुद विधि वाले में वृक्ष में कि जल पादप यानी जलवायु समुद्र विधि, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए यानी एयर कैविटीज किस में उपस्थित है, किसके लिए, जल पादपों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? हाइड्रोडिक्टियन या कैलिडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास या क्लोरेला? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन है परजीवी, रसायन पोषी, अपघटक या सजीव? तो लाइकेन क्या है, एक प्रकार का
सहजीवी है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और लाइकेन एक सूचक होता है किसका? वायु प्रदूषण का। लाइकेन किसका एक सूचक होता है? वायु प्रदूषण का। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? पानी, वायु, धूप या उपयुक्त तापमान। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बीज के अंकुरण के लिए धूप की आवश्यकता नहीं होती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पादप कीट पकड़ता है, यानी कीटों को कौन सा प्लांट खाता है? आस्ट्रेलियन एकेसिया, समाइलेक्स, नीरियम या नेपेंथस। इसको नेपेंथस बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी जिस पौधे में जहाँ पे ना नाइट्रोजन की कमी होती है ना, वैसे पौधे क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। तो उसका नेम क्या है? नेपेंथस, जिसको घटपड़ी भी हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? आलू, गाजर, मूंगफली या प्याज। यानी भूमि के नीचे कौन पाया जाता है? वो है आपका मूंगफली। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ईस्ट, क्लोरेला, एजोला या मोल्ड। तो जैव उर्वरक का स्रोत है एजोला। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध किस प्रक्रिया के कारण खराब होता है? एस्परजिलस, स्टेफोफाइलोकस, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न के साथ मिलाने से एजोला का एक अच्छा उर्वरक होता है? नीलहरी शैवाल, हड्डी का चूरा, गोबर या यूरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्लू ग्रीन एल्गे, BGA, यानी ब्लू ग्रीन एल्गे, नीलहरी शैवाल। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। जितना हो सके वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। अगर आप भी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर को पूरा करवा दीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, विषाणु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योगों में निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव में कौन सा, इसको कट कर दीजिए, एक प्रकार का सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग आता है? बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, जीवाणु शैवाल, जीवाणु सूक्ष्म शैवाल और कवक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जीवाणु भी आता है, सूक्ष्म शैवाल भी आता है, कवक भी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती कौन सी गैस? और अधिकतम लोग, आई होप आप लोग के भी आंसू निकलता होगा जब प्याज कट करते होंगे। तो प्याज के कटने से हमें हमारी आंखों में कौन सी ऐसी अम्ल या पाया जाता है कि जिससे आंखों से आंसू निकलने लगता है? सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, अमीनो अम्ल, कार्बोक्लिक अम्ल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फेनिक अम्ल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन डेट, रसेदार सब्जियों में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक, एल्गी, हरित सब्जी या फिर पशु का मांस। तो रसेदार सब्जियों में प्रयोग होने वाला जो मशरूम है, जिसको हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हैं, ये क्या है? मशरूम। तो ये मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है। यानी कवक है, कवक भी किसे बिलोंग करता है? सूक्ष्म जीव। और जो कवक होते हैं ना, अपना भोजन क्या मतलब सड़े गले से अपना भोजन को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन किए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और जितने लोग चैनल से जुड़े होंगे, पर डे प्रैक्टिस और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपने आपके जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर करें। और पर डे कंटिन्यू पर प्रैक्टिस और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चाहे 10 ही क्वेश्चन कीजिए चाहे 15 क्वेश्चन, उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ बार बार रिविजन करते रहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।